15 में से 6 मारे हैं, एटलीस्ट 10 या 12 का भी एवरेज होता तो साले जीत जाते। मुझे लगा रणवीर सर की टीम खेल कट जाएगा, थोड़ी देर में आने वाले हैं, उतरने वाले हैं गैंग में बढ़िया बंदे। एक योगा वाला बंदा है राहुल, उसका फोकस बड़ा तकड़ा है, तो वो साला ले जाएगा, खेल जाएगा। मुझे फिर मैंने सोचा कि भाई चलो अब इस योगा को करो आगे। रणविजय की गैंग ने 6 तीर सही निशाने पे मारा है, which means कि अगर निखिल के गैंग को रूलिंग गैंग बनना है, you need to get a minimum of 7 arrows hit correctly on the target. हम थोड़े डरे हुए थे यार, अब क्या होगा? उन्होंने इजीली मार लिए तो, क्योंकि राहुल है आगे और उसका परफॉर्मेंस भी हमने पहले दिन देखा था। आपके 10 मिनट शुरू होते हैं अब। जैसे ही मैंने उस विंडो को खींचा, इतना आसान तो था नहीं जितना मैं सोच के बैठा हुआ था कि वो इतना भारी निकलेगा। आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। चिरंजीवी, come on, come on, आराम से राहुल। प्रभजोत जो है वो 50 kg वेट को खुद होल्ड करके और वहाँ लेटी हुई है, और उसने इतने ढंग से होल्ड किया हुआ है कि वो 50 किलो नहीं, वो 5 किलो है। Come on, आराम से राहुल। पहला निशाना जब साधा, निखिल भाई ने मुझे बताया था कि हाथ को मोड़ के रखियो, और मैं बैल बुद्धि हाथ को सीधा रख के रखा। जब तार छोड़ा ना, वो सारे जो धागा था ना, वो हाथ में लगा, जिस वजह से वो निशाना। कस के खींच। भाई संभाल कर। राहुल निशाना थोड़ा ऊपर ले, और लेफ्ट में बहुत जा रहा है तो राइट में ले। हम उल्टा गिन रहे थे गाइस, 7 out of 13, अभी 7 out of 12, अभी ऐसे उल्टा गिन रहे थे ताकि जितने एरोस कम हो रहे हैं हमारे उतने चांसेस बढ़ रहे थे। राहुल शायद अपने आप को काफी प्रेशर में ले गया, फर्स्ट मिस, सेकंड मिस, थर्ड मिस, फोर्थ मिस, और वो कहीं आसपास भी नहीं जा रहे थे, वो बोर्ड से दो दो टकरा रहे थे। बहुत लेफ्ट पे जा रहा है, और राइट पे निशाना ले। जितना भी खींच रहा है वो सही है, 4 फुट राइट की तरफ निशाना ले। जब राहुल ने अपना तीर चलाया, एंड दैट एरो वेंट टू टोक्यो, हिज हार्ट मस्ट हैव संक। राहुल जा रहा है, जा रहा है राहुल। मंदिर से एक बार को टूट गया, पहले ना अन्ना की शक्ल देखी, उसकी आंखों में पानी था। और उसके बाद मैंने जब प्रियांक की शक्ल देखी और प्रभजोत की शक्ल देखी, प्रभजोत का मैंने हाथ देखा, लड़की ने इतनी मेहनत की, सबने अपना 100% दिया, मेरे से कहीं ना कहीं मेरा 100% मिस हो गया। अब उधर से थोड़ा कम, जहां पर भी निशाना लिया वहां से थोड़ा कम। यस यस राहुल जा रहा है, जा रहा है राहुल। नो प्रॉब्लम। संभाल कर राहुल, सिर्फ 7 एरोज बचे हैं।
This is your only chance to be the ruling gang. Otherwise, you're playing for a tie. राहुल, इफ यू डू नॉट गेट दिस ऑन द टारगेट, आपका गेम यहीं पे खत्म हो जाता है। ऊपर जब जाएगा तो अपना जहां पे तेरा एरो है उसको टारगेट से मिलाकर फिर छोड़ना आराम से। फिर रणविजय भाई आए, उन्होंने मुझे बताया जैसे घर पे जब तू कोई स्पोर्ट खेलता है ना वैसा टेंपर, में कोई टेंशन नहीं है, आराम से खेल। कुछ काम कर ले, तेरी बैल बुद्धि में कुछ घुस जाए तो साले सीधा मार ले। राहुल, दिस इज द मेक इट और ब्रेक इट एरो। फिर वी ऑल स्टूड टुगेदर, बहुत खुश थे ऑलरेडी कि हम ही जीतने वाले टास्क। बस मैंने मन में ही कहा भाई हर हर महादेव, एक तीर तो लगना चाहिए। पूरा भर के जब निशाना लिया और माय हार्ट गोज आउट टू राहुल बिकॉज ही केप्ट पिकिंग हिमसेल्फ अप एंड व्हेन दैट फर्स्ट एरो हिट I knew that he had redeemed himself. Well done, Rahul. Well Good job, Rahul. I said you were going to get it. Good job. Yes, yes, Rahul. मुझे पता नहीं अंदर से आग आ जाती है, मैं तालियां पीटने लगता हूँ कि हाँ बंदे ने मार दिया यार, अब कर देगा ये, अब आ जाएगा इसके अंदर को। कोई जल्दी नहीं है, हाथ से मिलाना है, वही चीज करना है, एरो और टारगेट। एक लगा, मेरा जो गिरा हुआ कॉन्फिडेंस था ना जीरो पे, वो 10 पर आ गया। ये बेच जाएगा, ऐसे जंप करने ही वाले थे वही तीर लगा उसका, फिर हमारी चपकी। आई थिंक वो मोमेंट ऑफ द डे बन गया, मोमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस, क्योंकि उस बंदे ने जुनून दिखाया। थोड़ा और कॉन्फिडेंट आया मैंने कि यार कर सकता हूं मैं, ऐसा हो सकता है कि युवराज के 6 छक्कों की जगह लास्ट के 6 में मार दूं। Get this on target, come on. हमने ऐसे जंप करने लगे ना यार, हमें क्या मिल गया, मतलब वो खुशी ना दिख नहीं रहती ऐसे कि कैसे हम बताए सभी को। फर्स्ट इम्यूनिटी टास्क ऑफ रोडीज राइजिंग वाज वन बाय गैंग रणविजय। ये वो वाली बात हुई कि मुंह तक आया और सड़ा खाने को नहीं मिला, वही ये जो डिजर्व करता उसको मिलता, मैं डिजर्विंग नहीं था मैं, मेरी वजह से मेरे साथ जो बंदे थे जो डिजर्व करते थे उन्होंने वो भी नहीं मिला।